आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीलम भानु प्रताप पे। तो मेरी जो है ज्वेलरी की जो व्लॉग की थी वो काफी डिमांड थी कि आप अपनी जो है गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन बताओ, तो मैं आज आपके लिए लेके आऊँ गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन। क्योंकि आपको पता है रिसेंटली मेरे भाई की शादी थी, तो सारी ज्वेलरी थी जो लोकर से आई हुई थी, तो मैं सोचा पहले आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ, फिर बाद में मेरी लोकर में चली जाएगी तो वापस कब बनेगी। तो स्टार्टिंग में जो करूंगी वो करूंगी मैं अपनी बाजुओं से। अभी मैंने लूमे वगैरह हटा के मैं रखती हूँ ताकि ज्यादा भरे भरे नहीं लगे। ये है मेरे बाजू ग्रीन कुंदन के अंदर, इसके अंदर जो है वो बीच वाली डिजाइन है। ये दोनों ही बाजू बहुत प्रिटी है, देखिए सेम है, बहुत ही सुंदर है। ये मेरे लिए तो काफी बड़े हैं, मैं आपको पहन के बता देती हूँ। तो आपको जिसको भी पिक वगैरह लेनी हो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना, पर्सनली जो है इसके बाद में आपको पिक मैं नहीं भेज पाऊंगी। तो ये मेरी बाजू है, और उसके बाद के अंदर आती है पुंछों की बारी। तो ये मेरी जो है वो पुंछे हैं, इसके अंदर बीच के अंदर ऐसे नगीने का काम किया गया है, और पुंछों की पुवाई मेरी कुछ इस तरीके से है ताकि आपको उसमें गिरने का डर भी नहीं रहता यूँ पैक की, और इसको बांधने बांधने की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये है भी बहुत सुंदर, पूरी मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो ग्रीन उसमें ही है, ग्रीन कलर में बनवाई है मैंने। और उसके बाद के अंदर ये मेरी बंगड़ियाँ हैं, सेम है दोनों बंगड़ी, और ये बंगड़ी जो है मेरी ये पिन वाली है इसलिए इसमें मोली बांध के रखनी पड़ती है, ये डायरेक्ट पहनने वाली नहीं है, ये आपको पिन खोल के पहननी पड़ेगी। और ये है मेरी नथ, नथ की फोटोज और वीडियो में आपने देखा होगा। और फिर है ये मेरा नेकलेस, इसकी भी जो है काफी लोगों ने मेरे से फोटो मांगी थी, तो मैं आपको देखो एकदम क्लियरली बता देती हूँ। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये मैंने आपने कई बार वीडियोस वगैरह में देखा होगा आपने, ये भी बहुत सुंदर है। सारी ज्वेलरी जो है वो मैंने खुद ने पसंद की है, और सबकी डिजाइन जो है वो अलग अलग है, मतलब एकदम मैच भी नहीं कर रही है तो एकदम डिफरेंट भी नहीं है। और ये मेरी रखी की भी काफ़ी सारी पिक्स के लिए डिमांड आती है, मतलब मोस्टली मेरी ज्वेलरी की सब पिक्स मांगते हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मुझे पर्सनली ना भेजनी पड़े। ये कुंदन की रखड़ी है, कुंदन की रखड़ी है, ये पुआई मैंने इसके बाद में करवाई है। ये और ये है मेरा शिशफूल, शिशफूल की डिजाइन भी कुछ इस तरीके से ही है, देखो ये बहुत सुंदर है। मतलब कि ये तीन जो है कई लोगों के गोल होते हैं बीच वाले, लेकिन मैंने आधे आधे करवा के हाफ करवा के इसके अंदर ऐसे कुछ बीच में कुंदन डलवाया है। ये भी ग्रीन कुंदन के अंदर ही है, प्रॉपर मोतियों में नहीं बनवाया है ये मैंने। और ये है मेरे इयररिंग्स, इनके तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी जो है काफ़ी बार स्टोरी लगाई है, लोग पूछते हैं आपके इयररिंग्स आपने कहाँ से बनवाए, कितने के हैं। ये देखिए ये मेरे इयरिंग्स की डिज़ाइन है, और ये फुल झेले हैं, मतलब पूरे ऊपर तक झेले हैं, हाफ वाले नहीं बनवाए मैंने। इसकी लेंथ भी जो काफ़ी अच्छी है, मतलब पहनने के बाद के अंदर ये काफ़ी लंबे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और ये है मेरे हथ फूल, ये भी सेम ग्रीन नग के अंदर ही बने गए हैं, ये पांचों अंगुलियों के हथ फूल हैं, जिसके अंदर मिडिल वाली जो रिंग है वो मैंने गोल करवाई है, और बाकी जो है ये चार है वो लंबी वाली जो आती है अंगूठियाँ उस टाइप में बनी हुई है। ये दोनों पांच पांच अंगुलियों के हथ फूल है, और इस ज्वेलरी के मतलब इस लॉक के अंदर जो है आपको वही ज्वेलरी देखने को मिलेगी जो मेरी पीहर साइड से। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ज्वेलरी ब्लॉग सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगी, जिसके अंदर मुझे अपने जो ससुराल साइड से क्या क्या मिला है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए तो ये वो चीजें हैं जो मेरे को मेरे पीहर साइड से मुझे मिली थी। मैं आपको बता देती हूँ मेरे हस्बैंड और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्या मिला था। तो ये जो है ये मेरे सासू माँ के लिए आया था, ये मतलब मेरे मदर इन लॉ के लिए हमने ये लॉकेट बनवाया था, ये रेड कलर के अंदर है क्योंकि मेरी पूरी ज्वेलरी ग्रीन में थी तो हमने ये रेड में लिया था, रेड में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और ऐसा सही राउंड के अंदर जो था वो मेरे ननद के लिए था जो उन्हीं के पास से है, तो अभी जो मेरे पास से मैं उनके आपको फोटोज़ बता देती हूँ। और ये जो है कड़ा है सोने का, हाथ का कड़ा ये मेरे हस्बैंड को दिया था, मेरे तो काफ़ी बड़ा है ये, कई इंस्टाग्राम रील्स में उन्होंने ये पहन भी रखा, अभी शादी वगैरह के रील्स में आपने देखा होगा। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए था ये वाला कड़ा, और उनके लिए ये सिरपेच भी था, ये रेड और ग्रीन
ये दोनों में इसकी हमने जो है वो डिज़ाइन पुआई करवाई थी, ताकि ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्रिटी है, इसकी डिज़ाइन भी जो है काफ़ी सुंदर है। देखिए इसमें ये पंख वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट यहीं से ले सकते हैं, ये पूरा यूं है। वीडियोस वगैरह में तो आपने उनको देखने को मिल ही जाएगा आपको। चेन जो थी, एक चेन भी थी इनके साथ में जो उन्होंने भी पहन रखी है, तो जो अभी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं बता रही हूँ। बाकी चेन जो थी अभी शादियों वगैरह से फ्री हुए हैं तो उन्होंने पहन रखी है। ये उनके लिए अंगूठी थी, और ये पापा एंड मेरे फादर इन लोगों के लिए अंगूठी थी, और ये उनके लिए कानों के लॉन्ग थे। तो ये पर्टिकुलर मेरी वो ज्वेलरी है जो अभी मेरे पास अवेलेबल है। और उसके बाद में मम्मी ने जो जो भी दिया, मतलब मेरे पाँव में चांदी के कड़े भी हैं, तो वो मैं आपको पिक अटैच कर दूंगी क्योंकि वो अभी मेरे पास है नहीं। तो उसके साथ में हमने जो मोटी वाली पायल आती है वो भी मम्मी ने दी थी, उसकी भी मैं पिक अटैच कर दूंगी साथ में, क्योंकि अभी मेरे पास वो सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ जो कि लोकल में जाने वाली है, तो मैं वो सारी चीज़ें बना रही हूँ। और इनके कानों की बालियाँ भी थी, और एक अंगूठी और थी सगाई की, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने भी पहन रखी हैं, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आई होप सो आपको मेरा ये ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको जो है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर में वो सारी चीज़ दिखाऊंगी जो कि मेरे ससुराल से मुझे मिली है। तो आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा? और ये मैंने बनवाई है निमिचंद सत्यनारायण सोनी से, जो कि अजमेर के हैं। आपको एड्रेस वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारी ज्वेलरी जो है इन्हीं से बनी है, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं, उनके पास डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।